आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, इसलिए कि बाकी सारा कुछ जो आपकी लाइफ में फॉलो करेगा वो फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा। और ये कोई आसान काम नहीं होगा, आपको बहुत मुश्किलात आएंगी रास्ते में, आपको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, आपको डिफ़िकल्ट टाइम्स देखने पड़ेंगे, आपको बहुत रिजेक्शन देखनी पड़ेगी। वेयर इज़ ऑल दैट, सबको शायद नहीं लेकिन ये पॉसिबिलिटी होती है। लोग आपका बहुत वक्त ज़ाया करेंगे, आप उसको किस तरह रिएक्ट करेंगे, आप इस सबको कहाँ, आप इस सारे एक्सपीरियंसेस से क्या अक्स करना चाहते हैं, ये सब डिसाइड करेगा कि मैं एक्टर क्यों बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं एक्टर बन के क्या करना चाहता हूँ। फिर दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात, कोई चीज़ भी दुनिया में आइसोलेशन में नहीं होती, कोई प्रोफेशन भी। कोई डॉक्टर भी अगर बनना चाहता है तो उसे भी अपने जहन में क्लियर रखना पड़ता है कि डॉक्टर बनने के बाद दिस विल बी माई सर्विस, दिस विल बी माई डायरेक्शन, मैं इतना टाइम सोशल सर्विस को दूंगा, या मैंने डॉक्टरी की है पैसा कमाने के लिए तो मैं किसी का भेजा खुला हुआ हो, किसी की टांग टूटी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, इतने पैसे रखेगा मैं इस पे तो मैं उसको ऑपरेशन करूँगा। मगर ये फ़र्क इसलिए आपके सामने मैंने डॉक्टर का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये इतना ही इक्वली अगली और गुड है कि यू नो कि आप, इट्स वेरी ऑब्वियस कि कौन आदमी आप नहीं बनना चाहेंगे और कौन आदमी आप बनना चाहेंगे। क्या आप एक कंपैशनेट डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप एक रूथलेस बुचर बनना चाहते हैं? तो ये एक्टिंग पे भी यही चीज़ लागू होती है। फिर एक्टर सिर्फ एक इंसान नहीं होता, जो आप बड़े बड़े स्टार्स की शक्ल में देखते हैं वो अपने कल्चर, अपने वक्त का आइकन बन जाता है, वो अपने वक्त के ट्रेंड्स, अपने वक्त के रवैये, उस वक्त की सिचुएशंस का सिंबल बन जाता है। मसलन ये कि अगर आप अपने प्लेज उठा के देखें, जिस तरह के कैरेक्टर्स हम ख्वातीन एक्सेप्ट कर रही हैं करने के लिए, वो जब 20 साल बाद पीछे देखा जाएगा तो इन ख्वातीन को नहीं देखा जाएगा, हमारा तो नाम भी किसी को याद नहीं होगा, ये देखा जाएगा कि हाउ वी वर पोर्ट्रेइंग द वुमेन ऑफ आर टाइम्स, वी आर डॉक्यूमेंटिंग आर टाइम्स। सो आई एम अ टूल, अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन डॉक्यूमेंटिंग माई टाइम्स। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन चूजिंग वॉट आई वॉन्ट टू से, हाउ, वेयर आई वॉन्ट टू प्लेस माई सेल्फ। और मुझे पता है बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि इतना क्यों सोचती हो और इतना सोचने की कोई बात नहीं होती, नहीं हमारा तो वक्त ही कितना होता है और हमारा, लेकिन ये इसी सोच की वजह से वी हैव सीन द फिल्म इंडस्ट्री डाई, वी हैव सीन द म्यूजिक इंडस्ट्री डाई, बोथ ऑफ देम वर वेरी वेरी, दे वर फुल ऑफ टैलेंट, वी आर सीइंग, वी हैव सीन द रेडियो, चलो एज अ मीडियम हम कह सकते हैं कि इवॉल्व होके टेलीविजन वगैरह पे जाने की वजह से, बट इवन देन यू सी के रेडियो के अंदर एक डिटोरिएशन आया है विद द FMs विच आर जस्ट ब्लर्टिंग आउट नॉनसेंसिकल जंक, डजंट मीन एनीथिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, यू हैव टू प्लेस अ सर्टन काइंड ऑफ वर्थ ऑन योर सेल्फ एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, कि मेरा, मेरे नहीं कहने के मानी हैं। When I say no to a bad script, it means something. When I say no to a bad idea being conveyed in a script, it means something. So, जो भी आर्टिस्ट है वो जो बात जिस पैराए में कह रहा है उसकी वर्थ को समझे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे समझते हैं कि मैट्रिक करके उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी, नहीं, नॉट इनफ। You have to constantly educate your. You have to be the most well-read person around. You have to. You should know about politics. You should know about economics. You should know about different art forms. You cannot go scot-free. I am a bimbo because I'm an actor. No, you cannot. So that is what I feel. और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। वो लोग जो सिर्फ शक्लों पे, इमेजेस पे, और आजकल इमेजेस पे बहुत जोर है, ऑल दैट यू सी इज ऑल, इट्स ऑल कॉस्मेटिक, इट्स ऑल कंस्ट्रक्टेड, इट्स ऑल फैब्रिकेटेड, एंड इट्स क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, इट्स क्रिएटिंग माइंड सेट्स दैट आर नेगेटिव।
डू यू और डू यू नॉट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट. ऑल दिस, ये सारा कुछ आपने डिसाइड करना है जब आप डिसाइड करेंगे कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, और वो डिसाइड करेगा कि आप एक अच्छे एक्टर हैं या आप एक बुरे एक्टर हैं. और अच्छा और बुरा एक्टर सिर्फ अपनी एक्टिंग से नहीं होता, ये एक किसी भी और प्रोफेशन की तरह एक्टिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं सिर्फ अच्छा एक्टर इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि मैं आपको अपने कैरेक्टर में बड़ा कन्विंस कर लेती हूँ. मैं अच्छा एक्टर उस वक्त बनूंगी जब मैं आपकी ज़िंदगी को कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकूंगी.